नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि डेटाबेस को MySQL डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं गोलान से। उसके लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है गो। गो करके एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर एक मेन डॉट गो का फाइल है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले मुझे चाहिए गो मोड इनिट करना है, क्योंकि मुझे मोड फाइल चाहिए सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल डॉट कॉम सिंपली, और देखो फाइल मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे MySQL डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे ड्राइवर चाहिए। तो यहाँ पे आता हूँ मैं सिंपली गो गेट गिट हब डॉट कॉम करूँगा, और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा गो, उसके बाद SQL और ड्राइवर किसके चाहिए, MySQL का। तो यहाँ पे MySQL लिख गया और इंटर किया। देखिए ड्राइवर्स भी आ गए, तो चेक करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वर्जन के साथ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्ट करते हैं DB। अभी तक मैंने यहाँ पे MySQL सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ पहले हम कोड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद MySQL स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया DB एरर सेकेंड पैरामीटर, और लेता हूँ SQL, ठीक है, डॉट ओपन सिंपली, ठीक है। तो ये तो ले लिया, लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं करा, तो इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट, सबसे पहले FMT लेते हैं, उसके बाद लेते हैं डेटाबेस और SQL सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है, MySQL जो हमने ड्राइवर्स इंस्टॉल करे हैं। तो उसके लिए यूज़र नेम क्या है, रूट है मेरे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड MT है। मैं ऐसे रख रहा हूँ उसको। @DK TCP लिख रहा हूँ, उस TCP फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और 3306 जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट हमें प्रोवाइड करता है MySQL, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे डेटाबेस नेम, तो यहाँ पे लेता हूँ गो टेस्ट, जो कि मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो इसे हम साथ में बैठ के बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन देता हूँ एरर के लिए, अगर एरर नील नहीं है तो उसमें कुछ तो है तो प्रिंट कर दे। इसके लिए FMT डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर लिखता हूँ एरर DB कॉपी, चलो ठीक है एरर ही लिख देते हैं, कोई गल नहीं है। और यहाँ पे लिखते हैं एरर सिंपली। यहाँ पे माइस को लिया है मैंने, हालांकि तो यहाँ पे माइस को लिया तो मेंशन तो करना होगा, तो हम इसे मेंशन करते हैं इस तरीके से गिट हब डॉट कॉम स्लैश गो डैश SQL डैश ड्राइवर सिंपली MySQL सिंपल, ठीक है। ये तो हो गया। अभी हम लोग क्वेरी भी रन करवा के रख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पर डेटा एज अ रिजल्ट वी कैन कॉल, और एरर सेकेंड आर्गुमेंट। उसके बाद यहाँ पे लेता हूँ मैं DB, अगर कनेक्शन सक्सेस है तो क्वेरी रन करवा, क्वेरी सिंपली, ठीक है ना। तो क्वेरी क्या है मेरी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेस्ट टेबल और EMP टेबल, EMP सिंपल, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में से जितने भी नाम से वो सब मुझे प्रिंट करवाना है बस। तो यहाँ पे अगेन मैं लिखता हूँ इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू निल, तो क्या प्रिंट करवाना है, FMT डॉट प्रिंट ln, और इसमें आएगा एरर, ठीक है, और हम लोग एरर प्रिंट करवा देंगे। ओके डन, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। अभी मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगा देता हूँ, क्योंकि यह बंच में आएगा डेटा, तो आया हुआ डेटा बंच में जो एरे फॉर्मेट में है उसे हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में
कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा, ठीक है, डेटा डॉट नेक्स्ट फंक्शन है, उसे यूज़ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे एक समस्या है, तो क्योंकि मुझे एक स्ट्रक्ट बनाना होगा सबसे पहले, तो क्योंकि आया हुआ डेटा कहाँ पे स्टोर करूँ, किस वेरिएबल में करूँ, उसके लिए तो यहाँ पे सिंपली मैं एक स्ट्रक्ट बना देता हूँ, टाइप EMP करके स्ट्रक्ट, ठीक है ना। तो ये है मेरा स्ट्रक्ट, ठीक है, और इसमें दिया मैंने नेम एज अ स्ट्रिंग सिंपली। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके उसको वैर में स्टोर कर देता हूँ, EMP और EMP, ठीक है, कर दिया सिंपल। अब सेकंड काम मुझे क्या करना है कि स्कैन करना है सबसे पहले, तो कि नेम आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो स्कैन करके उसे EMP के नेम में, मतलब स्ट्रक्ट के नेम में ऐड करवाना है, और उसके बाद ही प्रिंट करवा सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे लेता हूँ डेटा, ठीक है, डेटा डॉट स्कैन, और इसके अंदर एंड सिंबल दे के मैं लिखूँगा EMP डॉट नेम। सो सिंपल, ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अभी मुझे क्या करना है, FMT डॉट प्रिंट ln किया मैंने, और सिंपली इसको बोल दिया कि EMP डॉट नेम में जो भी है सब प्रिंट करो। सो सिंपल, बस इतना सा ही कोड है मुझे करना होता है MySQL के लिए, कि MySQL से डेटा फेच करने के लिए और स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, पहले क्या हो रहा है देखते हैं। गो रन मेन डॉट गो, तो एरर तो आनी चाहिए, या झकास, देखिए यहाँ पे एरर आ गई है कि कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कनेक्शन रिफोज हो गया। तो कनेक्शन क्लियर है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक चीज़ को, कि मेरे पास जैम्प है। तो जैम्प कहाँ पे दिख रहा है क्या आपको इसमें? हाँ यहाँ पे है, छुप के बैठा था, ठीक है, इसमें जैम्प है। तो इस जैम्प को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा पासवर्ड खुद का है वो मैंने डाला हूँ। तो यहाँ पे मैनेज में आके मुझे MySQL चाहिए सबसे पहले, तो बस बाकी कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, MySQL चाहिए, तो MySQL को ओपन कर लेते हैं। अरे यहाँ अपाचे लगेगा क्योंकि वो देखूँगा कहाँ पे ना। चलो ठीक है, दोनों भी मैंने स्टार्ट कर दिए, दोनों रनिंग है। तो मैं आया यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, टाइप करता हूँ लोकल होस्ट PHP में एडमिन सिंपली, ठीक है। यहाँ पे तो कहीं पर भी मेरा गो टेस्ट डेटाबेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं आके गो अंडरस्कोर टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट होने के बाद एक टेबल चाहिए मुझको, क्या नाम से है टेबल? EMP, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया EMP नाम के टेबल में मैंने सिर्फ तीन ही लेता हूँ फिलहाल के लिए, तीन भी नहीं यार, दो ही ले लेते हैं, एक तो आईडी चाहिए और एक नेम चाहिए, बस सिंपल। आईडी इंट है मेरा 10 दे देता हूँ, इसको ऑटो इंक्रीमेंट में रख देते हैं, बस हो गया। उसके बाद नेम लेते हैं, वेर कैर लेते हैं, 50 डाल देते हैं, सो सिंपल और सोबर, ठीक है, इतना सा ही है काम मेरा। तो इतना कर दिया मैंने, और दो वैल्यूज ऐड कर देते हैं। चलो एक है राम, दूसरा है राज, और गो। तो यहाँ पे देखिए मुझे दो वैल्यूज दिख रही है, सो सिंपल। अभी मैं आता हूँ वापस गो लाइन केस में, और यहाँ पे अब हम रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। गो रन मेन डॉट गो, देखिए राम और राज दोनों भी प्रिंट हुए, क्योंकि सबसे पहले तो उसको MySQL कनेक्टिविटी मिल गई जो कि लोकल होस्ट से चल रही है, और गो अंडरस्कोर टेस्ट नाम का हमने डेटाबेस बनाया इससे। उसके बाद उसको क्या मिला, EMP एम्प्लॉय मिला, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल मिला जो हमने यहाँ पे क्वेरी लगा के रखी है, ठीक है ना। उसके बाद उसको क्या मिला, नेम मिला, ये जो नेम है ना ये मिले, उसके लिए उसने नेम प्रिंट करवा दिया। तो ये तरीका होता है
कि MySQL को कनेक्ट करके वहाँ से डेटा फेच करने का। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।